उसके बाद उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान बन गया है तो पाकिस्तान चले जाओ। कुछ लोग जो है गाड़ियों में रेलगाड़ियों में बैठे तो उनको उन्होंने कत्ल कर दिया, सारे पाकिस्तान आ गए, जो बाकी रहे थे उधर पटियाले में थे वो सारे कत्ल हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो वो फिर खाइयां बाहर निकाली हुई होती थी, इस तरीके से खाइयां निकाली, उसमें जाकर बैठ जाते थे। जब सायरन बजता था बम गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बम गिरा था, एक रेल आ रही थी पाकिस्तान पिंडी से लाहौर आ रही थी। आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी, मैं हूं आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। आज मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनते देखा और उस जदोजहद में वहां मौजूद थी। उसके बाद जो पाकिस्तान में होने वाली जंगें 1965 की, 1971 की और अब तक जो हालात है मुल्क के, वो देखती आ रही हैं, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान कैसे बना। आसान को आंटी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आंटी मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान बनते देखा, तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया? कुर्बानियां तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, उसका तो हिसाब ही कोई नहीं कितनी कुर्बानियां हुई हैं। जब पाकिस्तान बनने लगा था उस वक्त तो उन्होंने 2-3 दफ़ा लोगों को अपने घरों से निकाल के बाहर निकाल दिया था, तो लोग आके कैंपों में रहे थे। उसके बाद फिर एक दफ़ा गड़बड़ हुई थी कैंपों में रह के, तो दोबारा उन्होंने कहा आ जाओ अपने घरों में आ जाओ, एकदम शोर हो जाता था, आ गए आ गए आ गए सिख आ गए, तो वो फिर हमला कर देते थे तलवारों से, वो तलवार चलाते थे, जो भी उसके आगे आ जाए, जो भी हिस्सा जिस्म का आगे आ जाए वो कट जाता था। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने सब लोगों को तीसरी दफ़ा निकाल के उन्होंने कहा कैंपों में आ जाओ, कैंपों में फिर इर्द गिर्द के सारे लोग जो थे वो भी कैंपों में आ गए, कैंपों में आके रहने लग गए। तो चने सब ने भून के 8-8, 10-10 किलो रखे हुए थे, वो सुबह शाम दोपहर वो चने खाते थे, हम सब लोग बच्चे भी वही खाते थे। तो उसके बाद ऊपर से पानी पी लेते थे, क्योंकि वहाँ पे ना कोई आटा था, ना कोई चूल्हा था, ना कोई भी चीज़ नहीं थी, तो इसलिए फिर तो जो बूढ़े लोग थे उनके इलाज के लिए भी कुछ नहीं होता था, वो मर जाते थे तो एक खाई निकाल के उसमें दफन कर देते थे उसको। तो वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था किसी तरह का भी, तो आग लगाते थे तो दूर दूर जो घर थे सब नज़र आता था आग लगी हुई है, तो शोर मच जाता था, सिख आ गया। वो आके फिर जवान जवान लड़कियों को उठा के ले जाते थे, जो खूबसूरत लड़कियां होती थी उनको उठा के ले जाते थे। फिर लोगों ने लड़कियों को छुपा के रखना शुरू किया। अच्छा। कि बहुत छुपाते थे उनको चादरों के नीचे, अपने सामान के नीचे, कोई अपने नीचे उनको छुपाते थे। इस तरह फिर ये था कि मेरे अबू चूँकि फ़ौज में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से जाके कनवाई लेके आता हूँ। वहाँ पे मुझे सुनो, उनको 40 दिन हो गए थे गए हुए, तो लोग कहते थे उनको रास्ते में मार दिया, वो जिंदा नहीं है, ये है वो है। अब जब कैंप लगे को काफ़ी दिन गुजर गए, तो उन्होंने फिर कहा कि कैंप भी उखाड़ दो, यहाँ से कैंप भी उठा चले जाओ। फिर 10 मील का काफिला जो था ना सारा, वो कैंप वहाँ से चला। आपको इसमें खौफ नहीं आता था कि जैसे लड़कियाँ आप बता रहे हैं उठा के वो ले जाते थे, तो आप किस तरह रहती थी? मैं 7-8 साल की उस वक्त थी, तो मुझे उस वक्त क्या डर था, मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे उठा के ले। ये बड़े बुजुर्ग हमारे बातें करते थे कि जो जवान लड़कियाँ थी ना 14-15 साल की, उनको छुपा के रखते थे, क्योंकि सब ने बैलगाड़ियाँ ली हुई थी अपने सामान के लिए, तो बैलगाड़ियों के नीचे छुप जाते थे। सामान तो किसी के पास कुछ था, उठाने ही नहीं दिया उन्होंने। गोरखा फौज आ गई थी, गोरखा फौज का राज था, वो सारी गांव में वो ही फैली हुई होती थी, तो उसके अलावा वो वहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता था। फिर काफिला सारा चल पड़ा, तो जो एक दो वहाँ पे फैमिलियाँ रह गई थी हमारी, तो वो फिर हमने देखा तो कनवाई आ रही है, तो 40 दिन के बाद तो कनवाई आ रही है, तो हमने देखा कि कनवाई में शायद हमारे अबू भी होंगे। मेरे मामुओं ने हाथ लाया, उन्होंने भी हिला दिया, फिर गए, उन्होंने कहा सारे रिश्तेदार जो है ना वो आ जाए, लेकिन रिश्तेदारों को ढूंढा, वो काफ़ी में कहीं आ गए थे, कोई नहीं मिला। फिर जो पीछे पीछे लोग थे उनको ट्रकों में बिठा के पाकिस्तान लाए, पहले एक रात जलंधर में रहे, जलंधर उस दिन 27वीं की रात थी। अच्छा। 27वीं की रात थी, तो जलंधर में रहे, तो उन्होंने ट्रकों के ऊपर ही हम सोए बैठे जो भी था उधर ही। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान बन गया है तो पाकिस्तान चले जाओ। फिर हम पाकिस्तान आए, कुछ लोग जो है गाड़ियों में रेलगाड़ियों में बैठे तो उनको उन्होंने कत्ल कर दिया तलवारें मार के। तो हमारी कुछ रिश्तेदारें थी, किसी का मुंह कटा हुआ था, किसी का बाजू कटा हुआ था, किसी का टांग कटी हुई थी। जब काफिला चला ना, तो उस वक्त बॉडी बूढ़े जो थे ना उनको किसी ने नहीं उठाया, उनको चरपाइयों पर रोता छोड़ के आ गया, क्योंकि कोई उठाया नहीं जा सकता था, पैदल आना था सब ने।
पाकिस्तान तो नहीं, उनको दफनाया भी नहीं। नहीं वो तो जिंदा छोड़ के आ गया ना, उनको चपाइयों पे मैदानों में बैठा छोड़ के आ गया, और बच्चे जिनके चार चार पांच पांच बच्चे थे उनको नहरों में फेंक दिया उन्होंने, उठाए नहीं जाते थे इतने बच्चे, और इतना फासला तय नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान पैदल आए। तो वो जिनके तीन चार बच्चे होते थे वो एक दो बच्चे तो माँ ने उठा लिया, एक बच्चे को बाप ने उठा लिया, बाकी बच्चे उनको नहरों में फेंक दिया, हमारे सामने फेंका सबको। फिर जहाँ पे वो अगस्त का महीना था, फिर जहाँ पे वो रात होती थी ना वहाँ पे ठहरते थे, रात को बारिश आ जाती थी, बरसात का मौसम था, बरसात की वजह से फिर सारे जो है बच्चे बह जाते थे। तो हमने देखा सड़कों के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी में से किसी का इतना हाथ बाहर है, किसी की अड़ी बाहर है, किसी की टांग बाहर है, किसी का थोड़ा सा सिर का हिस्सा बाहर है। तो इस तरीके से सारा जो बड़ी मुश्किलों से लोग जो है ना आधे पचधे पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान पहुंच के फिर वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था कहाँ पे रहना कहाँ नहीं, किसी के कोई रिश्तेदार थे वो रहते थे, किसी के कैंप लगा लिए उन्होंने, टेंट लगा के दिए उन पर कैंपों में रहो, कैंपों में रहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गाँव में फैल जाओ, इधर उधर चले जाओ, जहाँ जहाँ मकान खाली नज़र आते हैं हिंदू सिखों के वहाँ पे जाके आप रहना शुरू करो। फिर लोगों ने कोई इधर गाँव में निकल गया, कोई इधर निकल गया, जहाँ जहाँ उन्होंने फिरिस्त बनाई कि जहाँ जहाँ खाली मकान है जहाँ वहाँ ये लोग भी मारते थे उनको। आंटी आप हिजरत करके आई हैं मीन के पाकिस्तान बनने से पहले, हाँ। आपके बहुत सारे कजन्स वगैरह भी तो होंगे अब जो अभी इंडिया में हैं या सारे फोत हो गए थे? नहीं इंडिया में कोई भी नहीं रहा, सारे पाकिस्तान आ गए, जो बाकी रहे थे उधर पटियाले में थे वो सारे कत्ल हो गए थे, शहीद हो गए थे, बाकी जो हमारे मामू वगैरह थे वो सारे आ गए थे। एक मामू मेरा काफले के साथ आया था, अच्छा। वो भी अल्लाह के फजल से जिंदा ही आ गया था, बाकी जो है वो सारे हमारे ट्रकों पे आ गए थे। आंटी अक्सर लोगों से सुनते हैं कि हमारी इंडिया में बड़ी प्रॉपर्टी थी, कि आपकी भी थी? बहुत ज्यादा थी, अभी हमें तस्वीर बना के एक सिख आया हुआ था, अच्छा। ये जो ननकाने साहब, अच्छा। तो वहाँ पे मेरी बहन का बेटा उसको मिला, उसने कहा कि हम आपका कोई इंडिया में कोई ऐसा घर बार आया जो आप कहें हमें, मैं मूवी बना के भेजूंगा। उसने फिर सारा बताया कि तहसील दसुआ है वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे हमारे घर थे। उसने कहा मैं जाके पूरी मूवी बना के भेजूंगा, ये दो तीन महीने हुए उसने पूरी मूवी बना के हमें भेजी, हमारे सारे घरों की मूवी बना के उसने भेजी। ये भी बताया इस घर में कौन रहता था, इसमें कौन रहता था, इसमें कौन रहता था। आपको याद है? मुझे तो याद है, लेकिन ये मूवी उसने बना के भेजी हमें। अच्छा। तो मुझे तो अल्लाह के फजल से सारा याद है, अभी मुझे कोई इंडिया ले जाए तो मैं सीधी अपने घर चली जाऊंगी। आपको अभी तक वो घर याद है? मुझे याद है। तो ये है कि उसने फिर सारी मूवी जो साथ साथ बोलता गया, जहाँ पे इसका घर था, ये थानेदार था, मेरे नाना थानेदार थे, ये थानेदार का घर था, ये उनके भाई का घर था, ये फलां का घर था, वो सारा मूवी बनाता रहा। लोग शिकवा करते नजर आते हैं कि ये जो आज़ादी, हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए, लेकिन आपने तो ये सारी चीज़ें देखी, आप इस पर क्या कहती हैं? नहीं हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन हमारा जहन आज़ाद नहीं हुआ। हम तो आज़ाद हैं, हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, चोरियां भी करते हैं, डाके भी मारते हैं, मारते भी हैं, कत्ल भी करते हैं, सब कुछ, ये सारी आज़ादी है ना। सिर्फ हमारा जहन आज़ाद नहीं है कि हम कुछ उसके मुतल्लिक कर सकें कि हमने क्या बनना है और हमारे मुल्क में क्या करना चाहिए, ये कोई नहीं करता। आंटी आपने अभी बताया कि आपने मंडियों में देखे बच्चों को पानियों में मीन के पानी में देखा, लेकिन मुझे ये बताएं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क ने हमारे लिए किया, कि हम आज़ाद हो के फिर भी गुलाम हैं और हम तो कुछ भी नहीं है। नहीं उनका जेन गुलाम है ना, वो गुलाम कोई भी गुलाम नहीं है, अगर कोई काम करे मत करे। हम इंडिया में सुकून में थे, हमें कोई सुकून नहीं था, वो इंडिया में क्या सुकून था, हिंदू से सब इकट्ठे रहते थे, दिल चाहता था उनका भी वो लड़ाई कर लेते थे, दिल करता था मारते थे, मस्जिदों को गिरा देते थे, ये उनके मंदिरों को गिरा देते थे, क्या पहले भी सब कुछ यही होता था। अब जो पाकिस्तान है इसमें सारे मुसलमान रहते हैं ना, क्या नहीं करते आपस में, सब कुछ करते हैं। ये पीटीआई उसको मार रही है और पीटीएम उसको मार रही है, ये सारे मुसलमान ही है ना सारे। तो इसी तरह इंडिया में भी जो कई कौमें रहती थी तो वो आपस में मिलजुल कर भी रहते थे और लड़ाई झगड़े भी होते थे, सब कुछ होता था। ये मानती है कि पाकिस्तान आज़ाद होकर एक हमें अल्लाह ताला ने एक नेमत है, पाकिस्तान एक नेमत? मैं कहती हूँ पाकिस्तान बहुत अच्छी एक नेमत है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर मुल्कों में नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल करना इनको नहीं आता। हर कोई जो है ना दुश्मनी में उतर आता है, वो कहता है फलां बंदा जो है ना वो अच्छा काम कर रहा है उसको ख़त्म कर दो,
उसके साथ फिर वो लड़ाइयाँ झगड़े और उसके खिलाफ केस और ये वो सब कुछ होता है, लेकिन आज़ाद है हमारा मुल्क, सब कुछ है। जो वजीर आते हैं, जो कुछ बनाने लगते हैं, जो ज़्यादा बनाने लगता है उसको मार देते हैं। आंटी मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारी हुकूमतें आईं, तो आप किसको अच्छा लीडर मानती थी या मानती? मैंने हम बन्नू के पठान हैं। अच्छा, हम किसी के साथ बगैर वजह के धोखा भी नहीं करते, छोड़ते भी नहीं। मैं शुरू से, जब से भी पाकिस्तान में के इलेक्शन शुरू हुआ है, मैं नवाज शरीफ को वोट दिया, अब भी मैं उसको दूंगी। अच्छा, हाँ जी, मेरे आधे बच्चे जो हैं वो पीटीआई में हैं और आधे जो हैं वो नून लीग में हैं, लेकिन मैं शुरू से नून लीग में हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये कहती हैं कि मुल्क जो है हमारा तरक्की याफ्ता है और आप उसको मानती हैं, मुझे ये बताएं बहुत सी यंग जनरेशन जो है वो पाकिस्तान से तंग आके बाहर ममालिक में जा रही है, उनको आप क्या कहते हैं? वो पैसे के लालच में जा रही हैं, और कोई नहीं, वहाँ पे क्या मिलता है उनको, क्या सहूलियत है उनके लिए? यहाँ पे तो रिश्वत से भी काम चल जाता है, सफारिश से भी, वहाँ तो मुझे भी नहीं चलती ना रिश्वत चलती है ना सफारत चलती है। आप मुझे ये बताया, मैं 1965 की जंग भी देखी होगी। हाँ जी, उसके क्या हालात थे? और उस वक्त ये था कि ये द्वारका पे हमला हो गया, ये फलान जगह पे हमला हो गया, ये फलान शहीद हो गया, फलान ने जहाज उतने गिरा दिए, ये कर दिया, बाहर खाइयाँ निकाली हुई होती थी। उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? 1965 मेरे बच्चे थे उस वक्त, ये मेरे गोद में था। हाँ जी, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? तो वो फिर खाइयाँ बाहर निकाली हुई होती थी, इस तरीके से खाइयाँ निकाली, उसमें जाके बैठ जाते थे जब सायरन बजता था। अच्छा, तो सायरन बजने के बाद फिर ये होता था जी आगे आ गया, वो बम गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद फिर निकल के आते थे, फिर आके लेटते थे, फिर ये हो गया, जो हो गया, बस गड़बड़ी रहती थी हर वक्त। फिर ये रेडियो होता था, रेडियो पर सुनते थे जी आज फलान शहीद हो गया, आज फलान इतने जहाज गिरा दिए इंडिया का, ये कर दिया, टैंकों के नीचे लोग लेट के उनके टैंक जो हैं उनको तबाह कर दिया, ये चीज़ें जो सारी उस वक्त बताते थे। बड़ा जज्बा था लोगों के साथ, नूर जहाँ के गाने लगते थे, बड़े इश्ताल दिलाने वाले। अच्छा, और बड़ा जोश देने वाले वो गाने लगते थे, तो वो उसको जोश लोगों को आता था। बम गिरा था, एक रेल आ रही थी पाकिस्तान पिंडी से लाहौर आ रही थी। अच्छा, वहाँ पे एक कौड़त की लड़की के ऊपर बिल्कुल गिरा था, तो वो उसके नीचे जद में आ गई थी, तो मार गई थी। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि आर्मी के साथ लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है, और 1965 की जंग में आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और आप बता रही कि नूंजा हके गाने भी बहुत जोश दिलाते थे, मुझे बताएं तब लोगों का क्या जज्बा था आर्मी के साथ? नहीं, उस वक्त तो आर्मी से बहुत प्यार था, उस वक्त तो वो समझते थे कि ये हमारे पीर हैं। अच्छा, हाँ जी, इतना प्यार था लोगों को। वो तो आज भी बहुत ज्यादा प्यार है ना? नहीं, आज उतना प्यार नहीं है, आप तो जिसकी मर्जी का है उसको वो प्यार करता है, जिसकी मर्जी का नहीं है आर्मी चीफ वो नहीं करता, वो उसको कहता है बहुत बुरा है। 1965 की जंग का बताया, अब 1971 की जंग का भी बताएं, तब क्या हालात थे? नहीं, तब भी यही हालात थे, जैसे ये जहाज आ गया, एक दफ़ा मैं अपने सेन में लेटी हुई थी, तो यहाँ फरुखाबाद के ऊपर से जाते थे सरगोधे जहाज जाते थे। अच्छा, तो इंडिया का जहाज ऊपर से गुजरा, मैंने गौर से देखा, मैंने कहा ये तो इंडिया का जहाज होता है, इतनी देर में शोर मच गया, इंडिया का जहाज, मारो 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 मारो, मारा कोई नहीं सका, क्योंकि उस वक्त तैयारी नहीं थी किसी की मारने की, तो वो सरगोधे की तरफ जा रहा था। नीचे से गन से मारते थे। आपने 1965 की भी जंग देखी, उसका भी आपने बताया, 1971 की जंग भी देखी, उसका भी बताया, दोनों में आपको क्या लगता है कि 1971 की जंग हम क्यों हारे थे? वो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि क्यों हारे, मसला ये है कि जो काम करने वाले थे फौजी, जो काम करते थे वो तो कर रहे रहे, तो कर ही रहे थे। 1971 की जंग में आपने बताया कि आप इनके 65 में कहीं और रहती थी, 1971 में कहीं और रहती थी? नहीं, गुजरांवाला में तो मेरे वालदान रहते थे ना, इस वजह से हम गुजरांवाला में से, तो पिंडी में हमारे अबू की जॉब थी GHQ में, तो GHQ के पास ही हमारा घर था, तो वहाँ पे जब एक बम एक दफ़ा आया था, तो हम पिछली तरफ खाइयों में लेटे हुए थे, तो बम हमारे बरामदे में आके गिरा था। अच्छा, हाँ, तो उस वक्त काफ़ी उसका नुकसान हुआ था, लेकिन ये है कि जंगें, कोई भी जंग भी, कोई अपने घर में जंग हो तो वो भी नहीं ठीक। फौजियों को बड़े गिफ्ट देते थे, फौजियों को तो मैंने बताया कि उनको पीर समझते थे,
फौजियों के लिए तो कहते थे हमारी जान भी कुर्बान है, फौजी जो है वही हमें बचा रहे हैं, वही हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, वही सब कुछ, तो कर भी वही रहे थे। जंग जब होती है तो कोई चीज मिलती नहीं है, तो कैसे लोग अपना गुजारा करते हैं? पहले से अपने पास रखते थे ना, पता होता था कि जंग शुरू होने वाली है और चीजें महंगी है, मिलनी नहीं है, तो उस वक्त ये मनाते थे, राशन कार्ड पे चीजें मिलती थी, तो राशन कार्ड पे सारी चीजें लोग पहले से इकट्ठी कर लेते थे, जो जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो बड़े लोगों को अपना राशन कार्ड दे देते थे कि हमारी तरफ से भी आप ले लें, हमारे पास हिम्मत नहीं है इन पैसे लेने की, तो वो फिर लोग अपने पास राशन अच्छा इकट्ठा कर लेते थे, तो वो राशन इकट्ठा कर लेते थे, घर से कोई चीज नहीं उठाने देते थे, कोई चीज ना जेवर ना कपड़ा ना कोई बर्तन ना कोई चीज नहीं उठाने देते थे, भाई यही था कि चने भुने हुए अपने पास रखते थे, हम तीन टाइम चने खाते थे, ऊपर से पानी पीते थे, वो फूल जाते थे जाके पेट में, बस ये हमारा खाना था। उस वक्त हम कोटे में थे जब कायदे आजम फौत हुए, हमने उनको अच्छी भला देखा था, अपनी आंखों से देखा था, हमने देखा था अल्लामा इकबाल को, मैंने नहीं देखा, कायदे आजम को देखा था, क्योंकि उस वक्त हम कोटे में थे और मैं 7-8 साल की थी, 1948 की बात है, 48 की, तो उस वक्त हमें ये पता चला था कि जिसने पाकिस्तान बनाया वो फौत हो गया, फौत हो गया। जनाजा देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा जनाजा। फातिमा जना को देखा आपने? फातिमा जना को देखा है, जलसे में देखा है। अच्छा, जलसा करती थी जब अयूब के साथ उसका जलसा हुआ ना, उस वक्त हमने देखा था उसको जलसे में, तो अयूब खान ने उसको हरा दिया था, जानबूझ के हराया था, जीत गई थी वो, लेकिन बस जिसका जोर चलता है वो खुला देते हैं।